हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन लेन। तो स्टार्ट करते हैं जहां से हमने लास्ट टाइम अपने वीडियो में छोड़ा था। हमने डाइवर्जेंस के बारे में पढ़ा था, हमने कर्ल के बारे में पढ़ा था। अब हमें इस वीडियो में अब करेंगे डाइवर्जेंस इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का मतलब है कि एक्स वाई जेड एक्सिस में हम डील करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार बेसिक समझा देती हूँ कि एक्चुअली मैंने इस डायग्राम में क्या कंसीडर किया है और क्या मैंने लिया है। ठीक है, डाइवर्जेंस निकालने के लिए मैं सबसे पहले एक वेक्टर कंसीडर करूंगी जिसमें कि मेरा ये पैरेललोपाइड है, एग्जिस्ट कर रहा है, और वो जो है वो है वी वेक्टर फील्ड। वी वेक्टर फील्ड में ये पैरेललोपाइड एग्जिस्ट अभी फिलहाल कर रहा है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये पैरेललोपाइड की साइड्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये आपकी साइड्स हो गई हैं जिनको मैंने लेबल कर दिया है। P इज द पॉइंट इन द सेंटर ऑफ द पैरेललोपाइड। P जो है वो पैरेललोपाइड के बिल्कुल सेंटर में है पॉइंट। ठीक है, और इस सेंटर पे जो आपकी जो फील्ड है, जो वेक्टर फील्ड है, वो कौन सी है? V। ठीक है, P पॉइंट पे V फील्ड है। V के जो कॉम्पोनेंट्स हैं वी एक्स वी वाई एंड वी जेड, जो कि तीनों डायरेक्शन में है। तो X डायरेक्शन के अलॉन्ग हो गया वी एक्स, वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग हो गया वी वाई, और जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग हो गया वी जेड। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये जो पैरेललोपाइड है, अब हमने इसके साइड कंसीडर की हैं कि ये जो आपकी जो एक्स एक्सिस में जा रही है, मैंने मार्क कर दिया कि दिस साइड इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो ये जो एक्स एक्सिस है इसमें जो इसकी साइड जो है, जैसे मान लो डी एच ए ई, इन सबकी लेंथ कितनी है? डी एक्स। और जो वाई एक्सिस में जा रही है, जैसे कि ए डी ई एच, इन सबकी है डी वाई। और ये जो थर्ड डायरेक्शन में आ रही है, जैसे सी डी और जी एच, ये क्या है? डी जेड। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि ये जो आपका कॉम्पोनेंट है सेंटर में, तो वी है, एक्स डायरेक्शन में वी एक्स है, वाई डायरेक्शन में वी वाई है, और थर्ड डायरेक्शन में सिमिलरली वी जेड है। तो यहां पर इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पे हमें पता है, लेकिन अब हम क्या करेंगे? अब ये क्यू पॉइंट है और ये आर पॉइंट है। क्यू पॉइंट आपके आगे वाले सर्फेस पे, मतलब अगर आपकी ये एक्सेस है और P आपका यहां पर है, तो Q आपका आगे है X एक्सिस पे, लेकिन जो R है वो क्या है? बिहाइंड है, मतलब कि P पॉइंट्स के पीछे है। अगर मैं इसको सेंटर कंसीडर कर रही हूं तो ये मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा और ये मेरा नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि मेरा Vx जो है, अब जो Vx है वो मेरा इस डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज होगा, मतलब कि ग्रेडियंट। तो मतलब डेल Vx अपॉन dx, ठीक है, अपॉन डेल x। तो मतलब कि मेरा चेंज हो रहा है किसके साथ? डिस्टेंस के साथ। अब ये पूरा dx है, तो p और q के बीच का डिस्टेंस हाफ हो जाएगा, क्योंकि p जो है वो मेरा सेंटर में है। तो p अगर सेंटर में है तो pq मेरा क्या हो जाएगा? हाफ dx, उसका आधा हो गया। सिमिलरली rp भी मेरा हाफ dx है। अगर ये पर्टिकुलर हर डिस्टेंस पे मेरा vx जो है वो डेल वी एक्स अपॉन डेल एक्स चेंज हो रहा है एक पर्टिकुलर यूनिट के लिए, तो मेरा हाफ डीएक्स के लिए कितना चेंज हो जाएगा? हाफ डीएक्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि आपको नोट्स में कैसे लिखना है और कैसे इसकी स्टार्टिंग करनी है और आगे हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। लेट अस स्टार्ट। कंसीडर अ स्मॉल पैरेललोपाइड एबीसीडी ईएफजी एच इन वेक्टर फील्ड वी। वेक्टर फील्ड वी में ये है, sides are along x, y and z and their lengths are dx, dy, dz respectively. Let V be the vector field at P, जो P पर है, and Vx, Vy, Vz be its component along x, y and z axis. इन तीनों axis के along जो है हमारा इसका components आ रहे हैं। Rate of change of Vx along x, अब x direction में जो Vx change होगा वो क्या होगा? Del Vx upon del x होगा। ठीक है, PQ मेरा क्या हो जाएगा? PQ मैंने आपको बताया कि टोटल मेरा यहां से लेके RQ है, जो पूरा डिस्टेंस है वो कितना है? DX है, तो PQ उसका आधा है, तो कितना हो जाएगा? हाफ DX along X axis। अब इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ VX फ्रॉम P टू Q। अब P टू Q, अब चेंज कितना हो रहा है पर यूनिट डिस्टेंस? डेल VX अपॉन डेल X, और हाफ DX के लिए हाफ DX से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, अब सिमिलरली जब मैं R पॉइंट के लिए निकालूंगी तो मैं कैसे निकालूंगी? अब जो टोटल आपका यहां से यहां तक हो गया है आपका, वो हम देखते हैं कि क्या होगा। अब इस पॉइंट पे ये जो आपका चेंज हो रहा है, वो चेंज होके यहां तक जो Q तक आया, वो टर्म इतनी हो गई है आपकी।
ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में यहां तक मतलब जो आपने सेंटर लिया है, जो आपने ओरिजिन लिया है, यहां पर आपका इस पॉइंट पे Vx है, इस पॉइंट पे आपका एड हो गया ये वाली चीज, तो टोटल कितना हो गया Vx प्लस दिस मच। चलो एक बार नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, लेट अस सी द नेक्स्ट स्टेप। मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट ऑफ v एट पॉइंट q, पॉइंट p पे कितना था Vx, Vx था, पॉइंट q पे मैंने निकाला कितना आया मेरा हाफ डेल Vx अपॉन डेल x इंटू dx आया था, तो टोटल मेरा यहां कितना हो जाएगा, जितना यहां था जितने में यहां पे प्लस कर दूंगी तो मेरा q पे आ जाएगा, तो मैंने ये एड कर दिया तो ये मेरा एट पॉइंट q आ गया। अब r जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में लाई कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वी एट पॉइंट आर कितना हो जाएगा, यहां पर वी एक्स है, अब ये पीछे की तरफ है तो मुझे कुछ माइनस करना पड़ेगा, सेम चीज माइनस करूंगी क्योंकि ये एक्स एक्सिस की अलोंग है लेकिन नेगेटिव है, तो वी एक्स माइनस हाफ डेल वी एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब फ्लक्स थ्रू ई एफ जी एच, आपका फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे अब मुझे यहां से निकालना है कि ई एफ जी एच से फ्लक्स कितना निकल रहा है, तो जितना भी इसका पोटेंशियल यहां पर है क्यू पॉइंट पे उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी किससे, जो इसका सरफेस एरिया होगा जो कि नॉर्मल सरफेस एरिया होगा, ठीक है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में, इसका सरफेस एरिया का नॉर्मल किधर होगा, क्यू इस डायरेक्शन में होगा, सिमिलरली आपका ये जो पोटेंशियल था, ये जो मैग्नीट्यूड था, ये भी किस डायरेक्शन में था, इसी डायरेक्शन में था, दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, टोटल ही आपका पोटेंशियल जो क्यू पॉइंट पे है वो ये हो जाएगा, इस पॉइंट पे इस वाले सरफेस पे मल्टीप्लाई बाय एरिया, अब एरिया कितना हो जाएगा इसका, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये क्या है आपका dz और ये क्या है आपका dy, तो मल्टीप्लाई बाय dy dz। सिमिलरली फ्लक्स थ्रू एबीसीडी, इस वाले से क्या हो जाएगा, ये वाला, ये वाली टर्म मल्टीप्लाई में एरिया, अब ये वाली टर्म देखो नेगेटिव क्यों है, ये नेगेटिव इसलिए क्योंकि फ्लक्स इधर वाले डायरेक्शन में इधर से निकलेगा, लेकिन इधर वाले सरफेस का नॉर्मल क्या होगा, इधर होगा, तो अब ये नेगेटिव में है, अब मुझे दोनों अगर सेम डायरेक्शन में करना है, अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में करना चाहती हूं तो जो भी मेरा फ्लक्स, ये मेरा फ्लक्स आया, इतना मेरा फ्लक्स आया था, ठीक है, जो कि मेरा इस डायरेक्शन में था, अब मैं क्या चाहती हूं कि दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तो मैं क्या करूंगी, जस्ट नेगेटिव साइन एड कर दूंगी, यहां पर नेगेटिव साइन जो है वो यहां पर मैं लगा दूंगी, ठीक है। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, तो नेट फ्लक्स लीविंग पैरेललो पॉइंट, अब ये नेट फ्लक्स यहां से कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दूंगी, पैरेललो पॉइंट अलोंग एक्सिस इज 1+2, लेट अस सी कि ऐड करने के बाद हमें क्या मिलता, लेट अस सी द लास्ट स्टेप। नेट फ्लक्स लीविंग पैरेललो पॉइंट इन एक्स डायरेक्शन, अब नेट फ्लक्स मेरा क्या हो जाएगा, दोनों को मैंने ऐड कर दिया है फर्स्ट और सेकेंड को, तो मेरे को मिला डेल वी एक्स अपॉन डेल एक्स डी एक्स डीवाई एंड इंटू डी जेड, ये आपका क्या है वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप है। चलिए अब नेट फ्लक्स इन एक्स डायरेक्शन आपका ये आ गया डेल वी एक्स अपॉन डेल एक्स, सिमिलरली आप वाई डायरेक्शन में करोगे तो डेल वी वाई अपॉन डेल वाई डी एक्स डीवाई डी जेड एंड इन जेड डायरेक्शन डेल वी जेड अपॉन डेल जेड डी एक्स डीवाई एंड डी जेड, आपकी थ्री इक्वेशन आ गई, आपकी एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में फ्लक्स निकल रहे, टोटल फ्लक्स डाइवर्ज कितना हो रहा है, टोटल फ्लक्स डाइवर्जिंग इन ऑल डायरेक्शंस, तीनों को ऐड कर देंगे, ऐड किया तो आपको ये चीज कॉमन आ गई सब में, ब्रैकेट में क्या आ गया डेल वी एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वाई डेल वी वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी जेड अपॉन डेल जेड इंटू दिस, अब ये टोटल फ्लक्स है, अब पर यूनिट वॉल्यूम फ्लक्स मेरा कितना बाहर निकल रहा है, तो टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगी, टोटल वॉल्यूम कितना है डी एक्स जी वाई डी जेड, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम मेरी सिर्फ ये वाली क्वांटिटी आ गई। अब डेल वी एक्स, ये मैंने आपको पहले बताया था कि डाइवर्जेंस का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा ये आता था, ये मेरा डेल है, ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूं, ये मेरा डाइवर्जेंस है, सो दिस इज माय डाइवर्जेंस इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, जो कि मैंने प्रूव किया है, सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइवर्जेंस इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स द कंप्लीट डेरिवेशन। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डू द कर्ल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। Thank you so much for watching. Please subscribe my channel Education Lane.